नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा पुलिस प्रशिक्षण शाला में सांस्कृतिक संध्या व सहभोज का हुआ आयोजन। एसपी ने कहा, अपनी हॉबी को जिंदगी में बनाएं। रीवा पुलिस प्रशिक्षण शाला में नव आरक्षकों के 91वें प्रशिक्षण सत्र के दीक्षांत परेड से एक दिन पहले सांस्कृतिक संध्या का शनिवार की शाम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से समा बांध दिया। वहीं नव आरक्षकों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग देकर दर्शकों का दिल जीत दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अतिथियों ने लोक नृत्य, गायन, कविता पाठन व नाटक आदि की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन रहे, जबकि कलेक्टर इलैयाराजा टी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या के बाद सहभोज के आयोजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों को अपनी फिटनेस बनाए रखने की सलाह भी दी। कहा, अपनी हॉबी को जिंदगी में बनाए रखें, वहीं शिक्षा को अपने व्यवसाय दक्षता में उपयोग करने की समझाइश दी। विशिष्ट अतिथि ने आरक्षकों को यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा होने की बधाई दी। कहा, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें। कार्यक्रम में अतिथियों को पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा के पुलिस अधीक्षक वैष्णव शर्मा द्वारा स्मृति चिन्ह और पौधे सप्रेम भेंट किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक और पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा के डीएसपी बी के पटेल, अनिल रॉय, अरविंद तिवारी सहित पीटीएस का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के पश्चात समस्त अतिथियों सहित प्रशिक्षण आरक्षकों के लिए सहभोज की व्यवस्था की गई। बता दें कि 20 दिसंबर सोमवार को पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा में 91वें बैच के प्रशिक्षु नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।